दिल्ली का बॉस कौन? ये सवाल केजरीवाल दिल्ली का सीएम बनने के बाद से ही कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में ताकतवर कौन होगा, इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी शक्तियां एलजी को सौंप दी हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 में से 4 मुद्दों पर उपराज्यपाल के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर केजरीवाल ने कहा कि अगर एक सरकार अपने अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं कर सकती तो ये सरकार कैसे चलेगी। कि एक चपरासी को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री ट्रांसफर नहीं कर सकता। दिल्ली के लोगों ने 67 सीट दी थी, इतना भारी बहुमत दिया था, दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया था। ये कैसा जजमेंट है? बहुत गलत जजमेंट है ये। तो वहीं संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल अराजक रहे हैं और संविधान को ताक पर रखकर खिलवाड़ करते रहे हैं। पात्रा ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स को लेकर तमाम फैसलों पर वे हमेशा अपनी चलाते हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के लिए किया है, यह विश्वास नहीं हो रहा है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस प्रकार का भाषा देश के सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रयोग भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी शुरू से ही अनार्किस्ट रहे हैं, वो अराजक रहे हैं। अराजक तत्वों को आगे बढ़ाना, संविधान को ताक पे रख के, कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख के, नियमों के साथ खिलवाड़ करना, यह अरविंद केजरीवाल जी का तरीका रहा है शुरू से। चाहे वो एसीबी का मामला हो, एंटी करप्शन ब्यूरो का, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग के विषय में सर्विसेज का मामला हो, चाहे इंक्वायरी कमेटी कौन बना सकता है, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर के कितने पावर हैं, उनका ओपिनियन मैटर करता है या नहीं, कंटेंशियस इश्यू में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेंगे या अरविंद केजरीवाल ही अपने आप को प्रेसिडेंट बना के डिसीजन ले लेंगे, इन सब विषयों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गई थी, वहां पिटीशन खारिज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था। 5 जजों के बेंच ने जुलाई 2018 में एक ब्रॉड आउटलाइन दिया था और उसके पश्चात आज जजमेंट आया है। जजमेंट में एक बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी की करारी हार हुई है। कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल ने कहा कि अगर ट्रांसफर ना करें तो सरकार कैसे चलेगी। केजरीवाल ने कहा कि 40 साल से ट्रांसफर की शक्तियां दिल्ली सरकार के पास थी, तो अब क्या हुआ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बनाम एलजी केस को 3 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को भेज दिया है, यानी इस मामले पर अभी भी कोई फैसला नहीं आया है और अधिकारों की जंग अभी भी बरकरार है। इस फैसले के बाद ये संशय बना हुआ है कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com।